सुधांशु जी, अभी अभी विनोद जी ने कहा एजेंडा कैसे छूट सकता है। दो बयान में रखता हूं आपके सामने, बल्कि तीन। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी दीपावली के दिन अयोध्या से कहा था कि अगर अगली कार सेवा होगी तो उसमें गोली नहीं चलेगी, पुष्प वर्षा होगी। उन्होंने नाम लिया था कृष्ण भक्तों पर, सीधा इशारा उनका था मथुरा के लिए, मथुरा जन्मभूमि के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए। दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख ने कहा कि काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है। आलोक कुमार जी बीएचपी के जो है वो ये कह चुके हैं कि हम अभी कोई और बात नहीं करेंगे, अभी तो मंदिर का काम अधूरा है अयोध्या का। बात करने वाली बात नहीं है, लेकिन मंदिर की मुक्ति के लिए तो कृत संकल्प क्या दिखा रहे हैं सुधांशु जी? मैं जब आपने फायरिंग की बात कही तो मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इस पे फोकस करिए। अभी हमारे मित्र घनश्याम तिवारी जी बहुत जलवे से बोल रहे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जनाब क्या लिखा इस अखबार में कि निहत्ते राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मरे। किस जमाने का अखबार है? 3 नवंबर 1990 आपकी सरकार के समय का अखबार है। जनाब आप कहते हैं कानून का राज, लॉ एंड ऑर्डर की बात, आज तक इसके लिए कभी पश्चाताप किया? और आपने अभी यह कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, आपको पता जिस जमाने में आपने अयोध्या में गोलियां चलाई उस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या था? आज है 5.6, उस समय था 13.9, आज से 2.5 गुनी ज्यादा महंगाई थी। आपको पता है कि उस समय भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या था? 1 बिलियन से नीचे, सोना गिरवी रखना पड़ा था। आपको पता है कि उस समय बेरोजगारी क्या थी? प्रचंड बेरोजगारी थी। और उस समय आप मंदिर मस्जिद की सियासत करके गोलियां चलवा रहे थे, और आज आपकी पार्टी आके भाषण देती है कि महंगाई बेरोजगारी की बात करो, और आप कह रहे हैं ये कहने में बात अच्छी लगती है? मान्यवर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अभी खोलिए अपने मोबाइल पे और जनवरी 2014 में सिलेंडर का दाम देखिए, 1241 रुपए लिखा हुआ। इसलिए कहने में बात नहीं अच्छी लगती है, सच बात है, हकीकत है। मैं कहता हूं वो ना खोले, दर्शक लोग खोल के देख ले कि कितना उस समय रेट था। आज रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या? हमारी सरकार जब आई तब रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हम ये नहीं कह रहे महंगाई है, मगर आज भी महंगाई उससे कहीं कम है जब हमारी सरकार आई थी, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। और रही बात इसकी कि देखिए जो इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया ना डकैत वाला, वो सही है फिल्मों में। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, फिल्मों में भी एक एजेंडा था। पिछले 70 सालों से कोई एक फिल्म बताइए जिसमें भगवा वस्त्रधारी या टीका लगाए हुए या कंठी माला पहने हुए या धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखाओ। एक एजेंडा था, चाहे 50 का दशक हो, 60 का दशक हो, 70 का दशक हो, यह दशक हो, हमेशा आज तक 2010 के दशक तक हमेशा पूजा पाठी हिंदू एक नकारात्मक रोल। उसमें मैं घनश्याम जी का दोष नहीं देता हूं, हमारी और इनकी पीढ़ी जिस जमाने में पढ़कर आगे बढ़ी है उसमें फिल्मों में यही इमेज बनाई गई कि टीका लगाए हुआ व्यक्ति डकैती होता है। और बाकी मैं नहीं कहना चाहता हूं, बाकी सबके लिए बहुत अच्छी है। मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास बीच में आना चाह रहा था, आपका फोन कट गया था। के ऊपर एक और बात कहूंगा सौरभ जी, एक लाइन कह दूं सौरभ जी एक लाइन में कह दूं जी, बोलिए। मैं एक लाइन कह देता हूं, देखिए डकैत के ऊपर एक बहुत बड़े समाजवादी कवि हुए आदम गोंडवी, उनकी लाइन कोट कर देता हूं। उन्होंने समाजवादियों से दुखी होकर यह कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राजियों विधायक निवास में। और आगे की लाइन थी, पक्के समाजवादी हो है तस्कर हो या डकैत, ये उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजरे लिबास में। तो जनाब डकैत तो आपको कहा है, आप ही की विचारधारा के कवि ने कहा है, आपकी करतूतों से दुखी होके कहा है। मगर अफसोस आपके आज के नेता तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इस विचार को ही नहीं मानते कि राम कृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना अधूरी है। मगर अफसोस मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने प्रश्न पूछा है तो आप लोग तो भाई आपका परिवार प्रथम परिवार तो यादव वंश की उत्पत्ति तो भगवान कृष्ण से मानी जाती है, अपने को उससे जोड़ते हैं। आज कृष्ण की परंपरा के साथ खड़े होने में गर्व का अनुभव करते हैं या औरंगजेब की परंपरा के साथ? अच्छा ठीक है सुधांशु जी, मुझे एक चीज का छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर बाकी दोनों मेहमान बोले। विनोद जी ने कहा अयोध्या मुक्त हुई है, अभी हमें मथुरा मुक्त करना बाकी है। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सौरभ जी, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर अयोध्या पे बने यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, यह संत समाज का कार्यक्रम था, श्री राम जन्मभूमि न्यास का कार्यक्रम था, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था। जब वह आंदोलन खड़ा हुआ हमने उसका समर्थन किया था। उसी प्रकार जितने भी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य होते हैं या काम सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों का है, राजनीतिक दलों के एजेंडा का काम नहीं। हां, जब आंदोलन खड़ा हो तो राजनीतिक दलों का एक कर्तव्य है कि उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि उसके पक्ष में है या विपक्ष में। ठीक है खान साहब, पीछे बात हो रही थी, अभी विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा क्या आपत्ति है अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा जाते हैं या काशी जाते हैं,
उन्होंने कहा कि हम तो पहले से बात करते आए हैं, अयोध्या की तरह काशी और मथुरा भी मुक्त होना चाहिए, आज कोई और दल इसकी बात नहीं करता, बहन जी को भी तो जाना चाहिए ना। देखिए मैं बहुत साफ बात करना चाहता हूं। देखिए, एक तो अगर राम मंदिर बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ट्रस्ट बनवा रहा है भारतीय जनता पार्टी का या विश्व हिंदू परिषद का, इसमें कोई लेना देना नहीं। दूसरा, अगर अयोध्या में दीप जलाया जा रहा है या मथुरा में उसका रिनोवेशन कराया जा रहा है तो टैक्स पेयर का पैसा है, हमारा भी पैसा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका पैसा लगा हुआ है और सब पैसा उसमें जा रहा है, तो किसी को इतराज तो नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि चुनाव के 2 महीने बचे हैं, अब योगी आदित्यनाथ जी मथुरा में जाके क्यों ये भाषण दे रहे हैं? क्यों नहीं 2017 में गए थे? क्यों नहीं 2018 में गए थे? क्यों नहीं 2019 में गए थे? 2020 में चले जाते, 21 में आखिर में आते आते मथुरा में जाकर ये जहरीला बयान दे रहे हैं जिससे हिंदू मुसलमान, अरे हिंदू मुसलमान कैसे नहीं होने पाएगा? जितना महंगाई सर पर डाल दिया आपने, जितना गुंडा राज आपने उत्तर प्रदेश में कर दिया है, जनता यहाँ की त्रस्त हो चुकी है। आप हमारे पैसे से, हमारे डीजल पेट्रोल से, हवाई जहाज से उड़ते हो और कहते हो हम कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं भाई? टैक्स पेयर का पैसा है जी, या तो स्पष्ट कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है या दिया जला रही है। नहीं तो चलिए ठीक है, आप इतना साफ कर दीजिए, अयोध्या में दिया जलने से या देव दीपावली काशी में मनने से कोई एतराज नहीं है ना आपको? नहीं, हम तो कह रहे हैं मेरे पैसे से जल रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से जल रहा है, कोई अपने घर से नहीं लेके आए योगी आदित्यनाथ जी या भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पॉकेट से लगा रही हो तो बताए तो समझ में आता है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता का पैसा जो टैक्स पेयर है उनके पैसे से जलाया जा रहा है, क्यों नहीं अपने पास जलाते ये लोग? क्यों नहीं अपने पास जो चंदा का ठगरी जलाते लोग, ये लोग हमारे हमारे पैसे से जलाएंगे, हम ही को कहेंगे कि तुम विरोधी हो? हम विरोधी नहीं है, हम सब जन हिताय, सब जन सुखाय का नारा लेकर चलते हैं, सबके साथ लेकर चलते हैं, ये इनके तरह से नहीं है। आपको एतराज नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जनता के पैसे से नहीं, पार्टी बीजेपी पार्टी अपने पैसे से करे। एक 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 जवाब विनोद बंसल जी का, फिर घनश्याम जी मैं आ रहा हूं आपके पास 30 सेकंड में जी। सकल जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये इन्होंने अयोध्या का जिक्र किया, मथुरा का जिक्र किया, अब पूरा पूरा छुपते छुपाते कुछ ना कुछ बोल गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या बहन जी कभी अयोध्या गई है क्या? या अयोध्या मथुरा अपने उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? वो बहन जी कभी मथुरा गई है क्या? भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन किया है क्या? या वो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं? या तीसरी बात ये बताइए, क्या मथुरा और अयोध्या के लोगों से बहन जी को वोट नहीं चाहिए क्या? आखिरकार विरोध करना, विरोध की राजनीति करना और दलित समुदाय को इस्लामिक जिहादियों द्वारा उत्पीड़न का शिकार बनाना, उन पर चुप्पी साधना, ये कब तक चलेगा? उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, ये पूजा व्यक्तिगत पर्सनल मामला होता है, ये शासन का मामला नहीं होता है। विनोद बंसल जी, ये व्यक्तिगत मामला होता है पूजा पाठ, पूजा पाठ में किसने विरोध किया किसी का? किसी को कहा कि पूजा पाठ करो? किसी को कहा कि पाठ मत करो? किसी को कहा कि घर पर रह जाओ? ये आप यहाँ आके हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं? हिंदू कार्ड नहीं चलेगा, हिंदू भी होशियार है, मुसलमान भी होशियार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।